परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने इस अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में लेके आया है। उसकी करुणा के लिए, उसकी भलाइयों के लिए, उसकी हर एक उत्तम आशीषों के लिए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके, अपने सरों को झुका के उस महान जीवित परमेश्वर की हम आराधना करने जा रहे हैं। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन के मालिक, हमारे त्राता, हमारे दाता, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं राजा। ये क्या ही सुंदर दिन है कि आज सुबह के समय में हम आपके चरणों में आए हैं, आपकी आराधना करने आए हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करने आए हैं, आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाने आए हैं। अपनी सामर्थ को हमारे बीच में डाल दे परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेज दे परमेश्वर। तेरी आराधना करना सबसे उत्तम वरदान है, सबसे उत्तम आशीष है। तेरे वचनों में परमेश्वर गहराई के साथ हर एक बातों को जानने के लिए सहायता कर। तू हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर है, तू हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर है, हमारे हृदय की हर एक मनोरथों को जानने वाला परमेश्वर है, हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, अति उत्तम परमेश्वर। हम तेरे धन्यवाद देते हैं ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे प्रेमी परमेश्वर। हम तेरे धन्यवाद देते हैं आज सुबह के समय में जब हम सब मिलकर तेरी आराधना करें, तेरी प्रशंसा करें, तेरी उपासना करें। आप हमारे बीच में आ जाइए, अपनी पवित्र आत्मा से हमें भरपूर कीजिए। हम में से कोई भी खाली ना जाने पाए, हम में से कोई भी तेरी आशीषों से वंचित ना रहने पाए। तेरी आशीष को प्राप्त करने के लिए तो हमें सहायता कर ओ परमेश्वर। आपकी उपस्थिति में भरपूरी है, आपकी उपस्थिति में आनंद है राजा, एक ऐसा आनंद जो हमें संसार की कोई भी खुशी नहीं दे सकती है, संसार का कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता है। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने हमें ये लायक समझा है, आपने हमें सुंदर मौका दिया है कि हम आपके पवित्र मंडली में बैठें, कि हम आपकी आराधना करें, आपके गुणगान करें, आपकी स्तुति और प्रशंसा करें। आपके पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, जहाँ पे दो या तीन लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। परमेश्वर, हमारे साथ मिलकर अनेक भाई बहन लोग इस हिंदी ऑनलाइन आराधना में हमारे साथ हैं, उन सब के साथ मिलके परमेश्वर तेरी आराधना सच्चाई के साथ, दिल की गहराई के साथ, आत्मा में भर के परमेश्वर करने के लिए तू सहायता कर। जब हम सब मिलकर तेरी आराधना करें, हर एक बंधनों को तू तोड़ दे, हमें अपने पवित्र आजादी दे दे परमेश्वर। हम में से आज सुबह के समय में कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए, कोई भी जैसे आए हैं वैसे लौट के ना जाने पाए, लेकिन तेरी आशीष की भरपूरी को लेते हुए, तेरी आराधना में परमेश्वर लवलीन होते हुए तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। जब हम सब मिलकर तुझे आराधना दे, तेरी आराधना करें, तुम्हें चंगा करने वाला है, तू हमें रिहाई देने वाला है, तू हमें परमेश्वर हर एक बीमारियों से आजाद करने वाला है, तू हमें मुक्ति देने वाला है, तू हमें शक्ति देने वाला है राजा। ओ परमेश्वर, उन सब बातों के लिए हम तेरा तहे दिल से, दिल की गहराइयों से तेरी आराधना करने जा रहे हैं। कुछ गीतों को गा के आपकी आराधना करने के लिए तू हमें सहायता कर राजा। गीत के हर एक अक्षरों को, हर एक शब्दों के अर्थ को समझते हुए गाने में परमेश्वर, दिल की गहराइयों से गाने में तू सहायता कर परमेश्वर। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। सिर्फ तेरा ही नाम ऊंचा होने पाए, सिर्फ तेरा ही राज आए परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। आप सबको दोबारा से इस हिंदी आराधना में देख के बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। परमेश्वर ने हमारे जीवनों में ये आखिरी सप्ताह दिया है, उसकी हर एक भलाइयों को सोच के, उसकी करुणा को सोच के
हम सब मिलकर उसकी आराधना करने जा रहे हैं। उस परमेश्वर की आराधना करने से पहले मैं पवित्र शास्त्र एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। भजन संगीता 16 के 11 में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरा दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। इस पूरे महीने परमेश्वर हमारे साथ रहा, उसने हमारे सुख और दुख में साथ दिया, हमारे जीवनों में हर एक समय में एक आनंद की भरपूरी थी, हमारे जीवनों में कमी घटी थी, उन सारी कमियों को, उन सारी घटियों को उस परमेश्वर ने दूर किया और आज सुबह के समय अपने पवित्र चरण में लेके आया है। मिलकर कुछ गीतों को गाएंगे, उस परमेश्वर की आराधना करते समय हमें छुटकारा मिलता है, हमें चंगाई मिलती है और हमारे आत्मा को शांति है। मिलकर इस गीत को गाएंगे, आराधना में है छुटकारा। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद।
करो निरंतर, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा। हालेलुया। हर एक समय में हमें प्रार्थना करना चाहिए, उस परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर प्रार्थना के योग्य है, आराधना के योग्य है। हमारी विनतियों को सुन के, हमारी प्रार्थनाओं को सुन के वो हमें उत्तर देता है। जब जब हम परमेश्वर के चरणों में निरंतर उसकी आराधना करते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं, हमारे सारे प्रश्नों के सवाल को वो देता है, हमारे जीवन के हर एक बंधनों को वो तोड़ता है और हमें हर एक शापों से, हर एक पापों से मुक्ति देता है। प्रिय भाइयों बहनों, आराधना में कितना बड़ा छुटकारा मिलता है, आराधना में हमें कितनी चंगाइयाँ मिलती हैं। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद।
चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हा परमेश्वर, हमारे जय देने वाले परमेश्वर, हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। तेरी भलाइयों के लिए कोटि कोटि तेरे को धन्यवाद देते हैं। तेरी हर एक उत्तम आशीषों के लिए तुझे कोटि कोटि दंडवत करते हैं राजा। ओ परमेश्वर, हमें जय देने वाले परमेश्वर, हमारे शत्रुओं के सामने मेज को बिछाने वाले परमेश्वर, हमारे आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर, हमें ऊंचा उठाने वाले परमेश्वर, हमारे जीवनों को जांचने वाले परमेश्वर, हमारे जीवनों को जांचने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं राजा, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। वो परमेश्वर स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे हर एक दिन के युद्ध में परमेश्वर, हर एक युद्ध के समय में परमेश्वर, तूने हमें जय दी है, तूने हमें चंगाइयां दी हैं, तूने हमें मुक्ति दी है, तूने हमें आजाद किया है, तूने हमने अपने बेटा बनाया है, तूने हमें अपना बेटी बनाया है, तूने वो अपने स्वर के ताज के मुकुट को हमें पहनाया है, तूने हमें इतना प्रेम किया है, तूने हमें ये लायक समझा है कि हम सब मिलकर तेरी आराधना करें परमेश्वर, हम सब मिलकर तेरी स्तुति करें राजा, क्योंकि तू महान और सामर्थ्य परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है, तू विलंब से क्रोध रखने वाला परमेश्वर है। ओ सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, अपने स्थानों पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज सुबह के समय में उस महान परमेश्वर की, उस जय देने वाले परमेश्वर की, उस छुटकारा देने वाले परमेश्वर की,
उस महान परमेश्वर की हम आराधना करने जा रहे हैं। उस सेनाओं के यहोवा हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे युद्ध के समय में परमेश्वर तूने हमें परमेश्वर कभी भी नीचा नहीं दिखाया है। तेरी सामर्थ को हमारे जीवन में उंडेला है। तूने अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में उंडेला है। अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें भरा है राजा। हमारे हर एक दिन में परमेश्वर अनेक परेशानियां आई थी, अनेक दुख आए थे, अनेक दुख का पहाड़ हमारे सामने टूट गया था, लेकिन तूने परमेश्वर हमें परमेश्वर अपनी स्वर्ग की सुरक्षा दी, अपनी स्वर्ग की सामर्थ्य से तूने हमें भरपूर किया। हमारे शरीर में एक भी खरोच ना आने दिया, हमें एक छोटे बच्चे के समान तूने खयाल रखा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज सुबह के समय में राजा तुझे हम सारा महिमा देते हैं राजा, तुझे हम सारा जलाल देते हैं, तुझे हम सारा सम्मान देते हैं राजा। पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में है, हमारी आराधना को सुन रहा है, हमारी आराधना को ग्रहण कर और हमसे बातचीत कर परमेश्वर। महिमा तेरी ही हो, प्रताप तेरा ही हो, महिमा तेरी ही हो, प्रताप तेरा ही हो, स्तुति और सन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी।
परमेश्वर, सारी और स्तुति प्रशंसा के योग्य राजा तुझे ही मिलने पाए। तुझे प्रभु जी हाथ को उठाते हुए परमेश्वर, तेरी ही महिमा होने पाए, प्रताप भी तेरा ही होने पाए। परमेश्वर अपने अनमोल लहू से परमेश्वर तूने हमें खरीदा है, तूने हमारे पापों को धोया है, तूने परमेश्वर स्वर्ग जाने का एक रास्ता बना दिया और तू ही वो रास्ता है। तूने इतनी बड़ी कुर्बानी हमारे लिए दी, ओ परमेश्वर हम तेरे लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, तेरी स्तुति करना चाहते हैं, तेरे चरणों में बने रहना चाहते हैं राजा। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर प्रतिदिन राजा तेरी आराधना करने के लिए, तेरी उपासना करने के लिए हृदय की गहराई से, अपनी आत्मा से, अपनी शक्ति से, अपने संपूर्ण शरीर से राजा सच्चे दिल से तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। ये समय है कि हम तेरे पवित्र वचनों को सुनने जा रहे हैं। तू परमेश्वर अपने दास से हमसे बातचीत कर राजा, तेरा वचन हमसे बातचीत करने पाए राजा, हमारे दिलों से बातचीत कर राजा, हमारे आत्मिक जीवनों में तू एक उन्नति को दे। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर के पवित्र नाम के महिमा हो। आज के इस सुंदर दिन में प्रभु के पवित्र वचन से हम लोग ध्यान करने के लिए जा रहे, अय्यूब के किताब पहला अध्याय उसके 21 और 22 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। अय्यूब पहला अध्याय और उसके 21 22वें पद, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। प्रियो, इन वचनों के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम सबसे बात करने के लिए चाहता है। कृपया कुछ देर के लिए हम आंखों को बंद कर प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कुछ देर पवित्र शास्त्र के महान वचनों को ध्यान करने के लिए तू हमें सुंदर मौका दे रहा है।
प्रभु जी आज तेरे दास अय्यूब के बारे में तुमसे बातचीत करने के लिए चाहता है। पवित्र आत्मा जो भी इस समय पर हमसे इन वचनों के द्वारा बातचीत करने के लिए चाहता है, एक एक वचन को हम ग्रहण करने के लिए सहायता कर, एक एक वचन के द्वारा हमारा जीवन आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस समय पर तेरे वचन के विरोध में जो भी अंधकार के ताकत कार्य कर रही है, उन सब ताकतों को तेरे सामर्थ्य नाम से बांध कर प्रार्थना करते हैं। जो भी प्रिय भाई बहन लोग इन वचनों को सुनने वाले हैं, इन सब को बहुत आयत के साथ आशीष कर, यीशु के महान नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम महिमाओं ने पाए। अभी थोड़ी देर पहले हमने अय्यूब के मुंह के द्वारा निकला हुआ एक महान बातों को पढ़ा था, फिर मैं पढ़ रहा हूं। मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। प्रियो, जब अय्यूब ने इन शब्दों को बोला था, उस समय अय्यूब के जीवन से सब कुछ छीन लिया गया, सब कुछ अय्यूब के जीवन से ले लिया गया। उस परिस्थिति में अय्यूब कह रहा है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हम इस बात को जानते हैं, इस संसार में चाहे गरीब परिवार में बच्चा जन्म ले या करोड़पति अमीर परिवार में बच्चा जन्म ले, ओ सब बच्चे एक प्रकार नंगा ही पैदा होते। कितना भी अरबपति करोड़पति परिवार के बच्चे क्यों ना हो, जब वो मां के पेट से संसार में आते हैं बिल्कुल नंगा ही आते हैं। इस बात को सभी लोग जानते हैं। अय्यूब इस बात को कह रहा है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। प्रियो, इस अय्यूब के बारे में आप काफी कुछ बाइबल से देख सकते हैं। इस अय्यूब के बारे में कुछ आप परीक्षा को देखेंगे। ऊच अय्यूब पहला अध्याय पहलवी आयत में लिखा है, ऊच देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब के जीवन के बारे में पवित्र वचन हमें इस प्रकार विवरण देता है, वो खरा पुरुष था और सीधा व्यक्ति था, परमेश्वर का भय
अच्छाई मानने वाला था और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। आजकल हम संसार में देखते हैं इस प्रकार का व्यक्ति, मैं बताऊंगा तो लाखों में एक व्यक्ति भी मिलना मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन अय्यूब जो है बहुत बढ़िया व्यक्ति था, हर बात में खरा व्यक्ति था और सीधा व्यक्ति था, परमेश्वर के भय मानने वाला व्यक्ति था और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। अय्यूब के परिवार के बारे में और उसके संपत्ति के बारे में अय्यूब पहला अध्याय दूसरी तीसरी आयत में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई, उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधिया और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देश में, देश के लोगों में वह सबसे बड़ा था। प्रियो, 7 बेटे और 3 बेटियां, कुल मिलाकर जितने जानवर का लिस्ट यहां पढ़ाया गया, इस सबको आप गिनती कर कर देखेंगे तो करीब 11,500 जानवर था। और वचन बताता है पूर्वी देशों के लोगों में वे सबसे बड़ा था, सबसे महान व्यक्ति कह सकते, सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति कह सकते पूर्वी देशों में। इसी प्रकार अय्यूब के परिवार के बारे में और उनके धन संपत्ति के बारे में पवित्र वचन हमें डिटेल देती है। और इसके साथ साथ अय्यूब के जीवन में हम देखेंगे तो 5वें वचन में देखते हैं, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। इतना बड़ा धन संपत्ति सब कुछ होने के बावजूद भी अय्यूब, पवित्र वचन बताता है, भोर को उठकर अपने बच्चों के गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। यानी किसी भी प्रकार अगर पाप हमारे बच्चों के जीवन में हुआ वो क्षमा होना चाहिए, ऐसा सोचकर वो प्रतिदिन भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए करते थे। और 6वीं आयत में पढ़ते हैं, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी आया। शैतान जो है वो कहीं पर भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है, किसी भी कार्य में आ सकता है। यहां पर पवित्र वचन बताता है
परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और ढोलते डालते आया हो। कितना शैतान अच्छा उत्तर दे रहा है, पूरी पृथ्वी पर इधर उधर घूमते और झूमते फिरते ढोलते डालते आया। प्रियो, कुछ लोगों को आप देखने के समय वो आधा घंटा भी सही से जगह बैठ नहीं पाएंगे, 15 मिनट भी सही से जगह बैठ नहीं पाएंगे। कुछ कुछ बच्चों को देखते हैं, वो कुछ ना कुछ करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। वो तो बच्चे की बात तो अलग है, अगर बड़े होने के बावजूद भी उसी प्रकार कुछ ना कुछ करते हैं, इसका मतलब आपको समझना चाहिए उसके अंदर शैतान बैठा हुआ है। जिस जवान बच्चे के अंदर, जिस लड़की लड़का के अंदर शैतान बैठा है, वो इधर उधर घूमते फिरते रहेंगे। हाँ, माँ बाप का कर्तव्य क्या है? अगर आपके बच्चे उस परिस्थिति में इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, आपको समझना है ये हमारा बेटा ऐसा नहीं घूम रहा है, हमारा बेटी ऐसा नहीं घूम रही है, उसके अंदर कुछ शैतान के ताकत है। शैतान के ताकत ये बच्चे के अंदर होने के कारण इधर उधर घूम रहा है। हम परमेश्वर के भाई मानने वाले लोग, विश्वासी लोग, प्रभु के रास्ता में चलने वाले लोग, हमारे बच्चों के अंदर जो इस प्रकार शैतान कार्य कर रहा है, उस शैतान को यीशु के नाम में बांध कर प्रार्थना करने के समय वो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। ये चिन्ह है, किसी बच्चे के अंदर शैतान कार्य करता है और इधर उधर कई प्रकार के कार्य को करते रहेंगे। फिर आप अय्यूब का 1:7 में पढ़ते हैं, वही परमेश्वर शैतान से पूछ रहा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और टोलते टालते आया हो। फिर यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भाई मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। पहले आयत में भी हम इस बात को पढ़ा था और यहां पर भी पढ़ रहे हैं, परमेश्वर अय्यूब के बारे में शैतान के सामने गवाही देता है, उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भाई मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। प्रियो, थोड़ा सोच कर देखिएगा, आपके बारे में परमेश्वर गवाही देगा तो किस प्रकार गवाही देगा? परमेश्वर आपके बारे में बहुत अच्छा गवाही देना चाहिए। परमेश्वर मेरे बारे में बहुत अच्छा गवाही देना चाहिए, तब हमारा जीवन प्रभु के रास्ता में है, हम समझ सकते हैं। सो उसके लिए शैतान कह रहा है,
शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। शैतान परमेश्वर को कह रहा है, तू इस प्रकार अय्यूब के घर को और संपत्ति को सब कुछ तू बाड़ा बांध कर रक्षा करता है और उसके एक एक काम के ऊपर आशीष को देता है। इस कारण अय्यूब परमेश्वर का भय मानता है और साथ साथ कहता है, परंतु अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यानी शैतान के कहना यह है, हे परमेश्वर, सब कुछ अय्यूब के साथ बहुत बढ़िया चलता है, बहुत अच्छा चलता है, इस कारण अय्यूब परमेश्वर के भय मानता है और परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में आशीष ही आशीष दिखाई देती है। कोई भी दुख नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। इस कारण अय्यूब परमेश्वर के भय को मानता है, ऐसा शैतान परमेश्वर को उत्तर दे रहा है। प्रियो, अय्यूब के किताब पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक हम देखेंगे, उसके सभी बच्चे एक साथ खत्म किए जा रहे, एक ही दिन में 7 बेटे 3 बेटियां एक ही दिन में मर खत्म किया जा रहा है। और उनका गाय बैल ऊंट गधा नौकर लोग एक एक कर 13 आयत से लेकर 19 आयत तक आप पढ़ेंगे तो एक एक कर खत्म होते जा रहे, सब नष्ट होते जा रहे, कोई ना कोई एक व्यक्ति बचकर अय्यूब को समाचार देता ही जाता है। मैं वचन के अनुसार बताऊंगा तो कुछ घंटों के अंदर अय्यूब के जीवन से सब कुछ खत्म हो जा रहा है, सब कुछ नष्ट हो जा रहा है। छोटा सा उदाहरण के लिए, हमारे परिवार में किसी का मृत्यु आज हो गया, कल किसी का मृत्यु हो रहा है, 2 दिन के बाद किसी का मृत्यु हो रहा है, इसी प्रकार होगा तो हम बिल्कुल यानी अजीब सा हो जाएगा हमारा जीवन। क्या बात है भैया, परमेश्वर हमारे साथ क्यों ऐसा करता है? कल ये नुकसान हो गया, परसों एक नुकसान हो गया, आज एक नुकसान हो गया, हम बिल्कुल गड़बड़ाए जाएंगे। लेकिन वक्त अय्यूब ये सब कुछ ही घंटों के अंदर नुकसान हो जा रहा है। नुकसान होने के बावजूद भी हम 20वीं आयत में पढ़ते हैं, तब अय्यूब उठा और भागा, हाड़ सिर मुंडा कर
भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इस संदेश को सुनने वाले प्रिय भाई, प्रिय बहन, क्या आपके जीवन में सब कुछ नुकसान ही नुकसान है, सब कुछ नष्ट ही नष्ट है? आप प्रभु के नाम से हिम्मत बांधने की आवश्यकता है, हियाव बांधने की आवश्यकता है, अय्यूब के समान आपको कहने की आवश्यकता है। अय्यूब के समान नुकसान किसी के जीवन में जहां तक नहीं होगा, थोड़ा बहुत नुकसान आता है। वर्तमान में हम इस बात को देखते हैं, थोड़ा बहुत नुकसान होते लोग परमेश्वर को गाली देना शुरू कर देते हैं, ऐसा पूछते परमेश्वर कहाँ है, ऐसा भी कह देते परमेश्वर तो आंख नहीं है, परमेश्वर ऐसे ऐसे कष्ट को मेरे जीवन में क्यों लेकर आता है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, हो सकता है आपके जीवन में कई प्रकार के नष्ट को आप पिछले दिनों में उठाए होंगे। परमेश्वर आपके लिए इस संदेश को दे रहा है। आप शायद अपने पति को खो दिए होंगे, शायद आप अपना बिजनेस को खो दिए होंगे, शायद आप अपना मकान को खो दिए होंगे, परिवार में प्रिय लोगों को आप मौत के मुंह में दे दिए होंगे। फिर भी प्रभु आपसे कह रहा है, बेटा अय्यूब को देख, बेटी अय्यूब को देख। कुछ ही घंटों के अंदर 7 बेटे खत्म हो गए, 3 बेटियां खत्म हो गए, 11,500 जानवर खत्म हो गए, कई नौकर लोग खत्म हो गए, इक्का दुक्का बचे। इस परिस्थिति में अय्यूब क्या कर रहा है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हाँ प्रियो, सचमुच में मैं इस बात को ऐसा सोचता हूं, अय्यूब के पास जो भी धन संपत्ति बेटे बेटियां उनके आंखों के सामने दिखाई देती थी, अय्यूब शुरू से यही कहा होगा, सब कुछ यहोवा ने दिया, सब कुछ मेरा प्रभु ने दिया, सब कुछ परमेश्वर ने दिया। एक एक चीज को देखने के समय यही कहा करता होगा। सो शुरू से ऐसे आदत अय्यूब के अंदर होने के कारण ऐसा सब कुछ यहोवा के हाथ से मिला है, सब कुछ यहोवा के दया से मिला है, ऐसा कहने के कारण एक दिन आया, सब कुछ घंटों में उसे छीन लिया गया। तब अय्यूब कह रहा है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। थोड़ा सोचिए, कुछ 1,000 रुपया आपको नुकसान होने के कारण आप आत्मिक जीवन में पीछे हट चुके हैं, आपके परिवार में एक मृत्यु होने के कारण आपका प्रिय बेटा
या बेटी या माँ या बाप, आपके प्रियजन मरने के कारण आप परमेश्वर से दूर चले गए। आज परमेश्वर की आत्मा आपको देखकर कह रहा है, अय्यूब को देख कितना नुकसान हुआ, फिर भी वो वचन बताता है इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। कुछ लोग बहुत जल्दी कह देते हैं परमेश्वर को आंख नहीं है, परमेश्वर को सोच नहीं है, मैं प्रभु को कितना प्यार करता था, प्रभु के नाम महिमा के लिए कितना दान दिया करता था, फिर भी अय्यूब मेरे साथ, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा नुकसान क्यों हुआ, ऐसा सोचते। प्रियो, अय्यूब को देखिए कितना नुकसान हुआ, लेकिन प्रभु को अपने मुंह से कोई गाली नहीं दिया। जी हां, हम परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद देना चाहिए। वचन यही हमें सिखाता है, परमेश्वर को चाहे कितना भी नुकसान हो, कितना भी दुख की बात क्यों ना हो, कितना भी बुरी बात क्यों ना हो, कितने भी विरोधी लोग हमारे लिए उठकर खड़े हो जाए, तब भी हम अय्यूब के समान परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर आज आपको बुला रहा है, बेटा थोड़ा सा नुकसान होने के कारण तुम मुझसे बहुत दूर चले गए हो, बेटी थोड़ी सी नुकसान के कारण, थोड़ी सी यानी बुरी बात के कारण तुम मुझसे दूर चले गए हो, आज प्रभु आपको बुला रहा है, फिर से तुम मेरे रास्ता में आ जाओ, मेरे मार्ग में स्थिर होकर मेरे लिए जीवन बिताना शुरू करो। जिस प्रकार अय्यूब को मैं आखिरी में सब कुछ दुगना देकर उनको आशीष किया, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे जीवन में बहुत बढ़कर आशीष को दूंगा। मुझसे दूर मत होना, मेरे रास्ता से दूर मत होना, मुझे मत छोड़ना, मेरे नजदीक में रहना, ऐसा प्रभु आपको भुला रहा है। आइए हम इन बातों को रखकर प्रभु को चरणों में एक दो मिनट प्रार्थना कर कर इस संदेश को खत्म करेंगे। आप जिस स्थान पर है उस स्थान पर खड़े हो सकते तो खड़े हो जाइए, घुटना टेक सकते तो घुटना टेकिए, आंखों को बंद करिए, हाँ प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे अय्यूब के जीवन के द्वारा सुंदर आत्मिक भोजन ने तूने इस समय पर दिया है, प्रभु जी इस संदेश के द्वारा दिया है, थोड़ी सी नुकसान होने के कारण परिवार में किसी एक का या दो व्यक्ति का मृत्यु होने के कारण मैं तुझे छोड़कर दूर चली गई, तुझे छोड़कर तेरे प्रेम को छोड़कर तेरी रास्ता को छोड़कर मैं दूर चला गया, बाइबल पढ़कर मुझे काफी समय हो गया, प्रार्थना करते हुए मुझे काफी समय हो गया, चर्च गए हुए मुझे काफी समय हो गया, मुझे क्षमा कर, अय्यूब के जीवन में कुछ ही घंटों के अंदर इतना नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ, एक प्रकार उनके सब बच्चे मर गए, सब संपत्ति छीन लिया गया, फिर भी वो कितना सुंदर बात को कह रहा है, अपनी माँ के पेट से नंगाई निकला हूं, वही नंगा लौट जाऊंगा, यहोवा ही ने दिया
और यहोवा ही ने ले लिया। हाँ प्रभु जी, जो कुछ मुझसे छीन लिया गया वो सब तूने मुझे दिया, किसी कारण से तूने मुझे उसको मुझसे ले लिया, मुझे धन्यवाद देने का अनुभव दे, अय्यूब के समान स्तुति करने का अनुभव दे। मैं अपनी ओठों से, अपने मुंह से प्रभु जो भी गलत बात बोला है मुझे क्षमा कर। मेरा विश्वास है जिस प्रकार तूने अय्यूब को प्रभु दुगुना आशीष दिया, उसी प्रकार तू मेरे जीवन में दुगुना आशीष को बहुत जल्दी दूंगा। फिर से मैं तेरे साथ चलने के लिए, फिर से तुझे प्यार करने के लिए मुझे सहायता कर। अय्यूब के द्वारा तूने सुंदर बात को मुझे बताया, इसके लिए धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु। थैंक यू जीसस। आशीष कर एक एक भाई, एक एक बहन जिन लोगों ने इस वचन को सुना है, जवान लोग, बुजुर्ग लोग इन वचनों को सुना है, सबको आशीष कर। तेरे नाम महिमाओं ने पाए, आदर और महिमा तुझे देते, यीशु के महान नाम से इस प्रार्थना को मांगते आप। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।